Hello friends, now in today's video we'll learn about GST Council. So this is also a part of GST introduction. So we'll start quickly. What is GST Council? Because GST ke baare mein aapne bahut suna hai. So GST ke baare mein aapne jo bhi kuch suna hai, wo sab kuch banaya hai GST Council. ठीक है, तो ये आप समझ लेना. तो जो भी आप GST के बारे में पढ़ रहे हो, सुन रहे हैं, जो भी प्रोविजंस बने हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीएसटी काउंसिल. सो आप बोल सकते हो जीएसटी काउंसिल इज द ऑटोनोमस बॉडी विच डिसाइड्स अबाउट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी. क्योंकि जो जीएसटी के मैटर्स है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, वो जीएसटी काउंसिल के अंडर आते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी. और ये बॉडी ऐसी है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है जीएसटी के लिए कोई रूल बनाने या कोई भी डिसीजन लेना. ठीक है, क्यों रहेगी? क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के ही हैं, समझ गया? तो इसलिए जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी मैटर पे डिसीजन लेने का राइट सिर्फ किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास है. और जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं. अभी जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो फिलहाल आप इतना समझना कि जीएसटी काउंसिल क्या है. जीएसटी काउंसिल है एक ऑटोनोमस बॉडी जो कि जीएसटी से रिलेटेड हर एक मैटर को डिसाइड करती है और हर एक मैटर का डिसीजन लेती है. जीएसटी के जैसे रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज करना है, कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जो भी जीएसटी के बारे में आप सुन रहे हो, इन शॉर्ट वो सब कुछ किसने बनाया है? प्रोविजंस जीएसटी काउंसिल ने बनाया. ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड नोट्स फटाफट आप नोट डाउन कर लो. राइट, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल आया कभी वो आप थ्योरी के लिए आ सकता है, तो वो अपडेट ले लेना. राइट, पॉइंट नंबर वन, जीएसटी काउंसिल इज इंसर्टेड एज पर आर्टिकल 279A of the Constitution with effect from 15 September 2016. तो जीएसटी आया 2017 में, पर उसके पहले जीएसटी काउंसिल बनी 2016. ठीक है, सो दैट वो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर सके. तो जीएसटी का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ और बाद में जुलाई में 1 जुलाई 2017 को वो इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी. तो जीएसटी स्ट्रक्चर आने के पहले, लॉ आने के पहले क्या आ गया था? जीएसटी काउंसिल आ गया था, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जीएसटी लॉ को इम्प्लीमेंट करने. ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल पहले है, उसका डेट है 15 सितंबर 2016, जो आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ और 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल को इंसर्ट किया. राइट, पॉइंट नंबर टू, इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. फेडरल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली, तो उसको बोलते हैं फेडरल. तो फेडरल मतलब दोनों का जॉइंट पावर्स. तो ये बॉडी में जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जॉइंट पावर दिया, इसलिए बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. थर्ड पॉइंट, जीएसटी काउंसिल ऑब्टेन द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑब्टेन द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 12 सितंबर 2016. तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है. तो प्रेसिडेंट ने परमिशन दिया 12 सितंबर को और बाद में वो इंसर्ट हुआ 279A के अंदर कौन से डेट पे? 15 सितंबर. तो 12 सितंबर को याद रखना परमिशन मिला प्रेसिडेंट का और 15 सितंबर को वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया 3 दिन के बाद. 12 सितंबर 16 और 15 सितंबर 16, दो डेट याद रखना थ्योरी के लिए. देन राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सोल अथॉरिटी टू मेक एंड इंप्लीमेंट द डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी. सोल अथॉरिटी, ठीक है, और कोई भी अथॉरिटी नहीं है जिसके पास जीएसटी से रिलेटेड रूल बनाने के पावर्स है. जीएसटी से रिलेटेड रूल्स बनाने के पावर सिर्फ किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास. देन नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप डायग्राम बना लो.
कोई भी काउंसिल या कोई भी बॉडी है तो उसमें ये ग्रुप है तो उसमें सबसे पहले कोई हेड होता है। हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन। जैसे बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है उसमें क्या होता है, चेयरमैन जो हेड होता है। तो यहाँ भी यही वही है, जीएसटी काउंसिल में सबसे ऊपर जो पर्सन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल में सबसे ऊपर कौन आएगा, चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फिर इसके बाद आएगा वाइस चेयरमैन और उसके बाद आएंगे मेंबर्स। तो स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत ही सिंपल है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है मेंबर्स, खत्म। अब इम्पोर्टेंट क्या वो समझो कि चेयरमैन कौन हो सकता है, या आप चेयर पर्सन बोल सकते हो, ठीक है, ओन भी हो सकता है। तो चेयरमैन कौन हो सकता है, वाइस चेयरमैन कौन हो सकता है, मेंबर्स कौन हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चेयरमैन विल बी ऑलवेज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर है वही हमेशा होगा चेयरमैन। तो चेयरमैन के आगे आप लिख देना फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। सो ऑटोमेटिकली जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, इन शॉर्ट वही ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा, समझा। तो ये जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी या गवर्नमेंट ने किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, करंटली अभी निर्मला सीतारमन जी है फाइनेंस मिनिस्टर, तो अब जीएसटी काउंसिल के करंट चेयर पर्सन कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। इसके पहले कोई और थे तो वो चेयरमैन थे, अभी चेंज हो गए तो अभी नए चेयरमैन आ गए, कल को कोई और भी हो सकता है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही चेयरपर्सन यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में वाइस चेयरमैन में बाद में आता हूँ मैं, मेंबर्स कौन हो सकते हैं। मेंबर्स जो है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स का स्टेटस या वैल्यू दिया है यहाँ पे, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो टोटल मेंबर्स में 29 स्टेट में से हर एक में से एक एक मिनिस्टर, और दिल्ली एंड पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से भी एक एक मिनिस्टर, टोटल 31 मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में आपको पता है 29 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब 29 मेंबर्स हो गए। यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दो है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी दो मेंबर यहाँ पे होंगे, मतलब जीएसटी काउंसिल में यूनियन टेरिटरी को भी पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है, तो उनका भी बात सुना जाएगा। तो मेंबर्स यहाँ पे टोटल कितने हुए, 29 स्टेट्स के एक एक रिप्रेजेंटेटिव और यूनियन टेरिटरी के एक एक, तो 29 + 2 टोटल 31 मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे मेंबर्स के लिए ये कंडीशन नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली, तो हर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स में से किसी को भी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही हो, समझे आप। तो चेयरपर्सन कौन बन सकता है, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट मेंबर्स के लिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली कंडीशन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी भी मिनिस्टर को जिसके पास नॉलेज हो थोड़ा बहुत टैक्स का, उसको यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में एज अ मेंबर भेज सकती है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 29 स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव है और 2 यूनियन टेरिटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। अब वाइस चेयरपर्सन कौन, तो वाइस चेयरपर्सन जो है ये सारे लोग मिलके, सारे मेंबर्स मिलके अपने एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स, तो वो होता है वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल, सबसे ऊपर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा, ऑलवेज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
देन उसके बाद मेंबर्स में आ गए, उसी तरह मेंबर्स कौन होगा, हर एक स्टेट से एक एक मिनिस्टर, एंड दो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से भी एक एक मिनिस्टर, कौन सी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, और ये सारे लोग मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, वो होगा वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जीएसटी काउंसिल का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजंस कैसे लेना है। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आपको पता है मीटिंग बुलाई जाती है। अब मीटिंग कभी बुलाते हैं और मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कोरम होना चाहिए, मतलब अटेंडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कोरम कितना है, तो इसका डिसीजन लेने के लिए वोट पड़ता है, तो वोटिंग कितना परसेंट होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, कोरम फॉर जीएसटी काउंसिल मीटिंग शुड बी एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल मेंबर्स, शुड बी एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल मेंबर्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग इन जीएसटी काउंसिल, मिनिमम 3/4, मिनिमम 3/4 वोट्स, 3/4 क्या क्या आप लिख सकते हो, 75%, मिनिमम 3/4 वोट्स आर रिक्वायर्ड, 75% वोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी डिसीजन, आउट ऑफ विच 1/3 वोट्स, 33% वोट्स आर कंसिडर्ड इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज, एंड बैलेंस 1/3 वोट्स आर कंसिडर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वोटिंग वाला पार्ट भी थोड़ा समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वोटिंग के लिए क्या बोलता है, वोटिंग में आपको कितने परसेंट चाहिए, आपको एटलीस्ट मतलब मोर देन और इक्वल टू 75% वोट चाहिए। तो कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उसके लिए एटलीस्ट 75% वोट्स फेवर में होने चाहिए। तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है, 1/3 मतलब 33% अप्रॉक्स। तो ये तो फिक्स है, तो 33% तो फिक्स ही है। तो जो बैलेंस बचा बस उतना ही स्टेट मेंबर्स को कन्विंस करना है डिसीजन के फेवर में। तो स्टेट गवर्नमेंट बैलेंस 2/3, 67%, ठीक है। तो जितना भी वोट्स के रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितना चाहिए हमको, 75%, उसमें से मतलब इसका 33% ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में रहेगा ऑलवेज। बैलेंस जो बचेगा 67%, इसमें से उतना स्टेट मेंबर्स अगर एग्री कर रहे हैं तो फिर डिसीजन पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोटिंग का फॉर्मूला है जीएसटी काउंसिल के लिए। तो मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा अगर कोई भी डिसीजन लेना है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कितने वोट सही होते हैं, 75%। अब उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 75% में 33% हमेशा बुक है, प्री बुक है। तो 75% में से 33% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स है, तो 75 में से सिर्फ 67%, 75 का 67% बस उतने ही स्टेट गवर्नमेंट से हमको वोट कलेक्ट करने, कोई भी डिसीजन को अप्लाई करने के लिए या बनाने के लिए, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग था जीएसटी काउंसिल के अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल के अंदर पॉइंट नंबर ए, इट शैल मेक द रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डैश करके लिखो नेक्स्ट लाइन नंबर वन, फॉर द टैक्सेस सेस सरचार्ज, नंबर टू फॉर द गुड्स और सर्विसेस दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नंबर थ्री द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर द टर्नओवर for exemption, number 4 the rate
special rate for specified duration under GST. Next point, to make GST laws principles of levy and apportionment of GST amount. Next point, any other matter relating to GST. तो GST Council के ये सारे roles हैं, मतलब basically ये सारे चीज़ें जो point हमने लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हमको union government और state government को recommend करती है, बाद में government अपने हिसाब से decision बाद में उसको final करता है. तो decision लेने का हम तो GST Council का ही है, बाद में government को उसको recommend करेगी और उसके बाद में वो final decision बन जाता है. तो ये जो भी GST से related laws है, rules है, principles है, वो सब कौन बना रहा है, किसके ऊपर responsibility है? GST Council के ऊपर. So for GST you can say who is responsible? GST Council. ठीक है, तो ये पॉइंट था GST Council से रिलेटेड. अभी ऐसा ही एक और पॉइंट है जो शॉर्ट नोट वगैरह के लिए आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी में भी आ सकता है. सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका GST नेटवर्क, GST N जिसको बोलते हैं, GST N. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो GST N. जीएसटी एन का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, एन मीन्स नेटवर्क. सो दिस इज जीएसटी नेटवर्क. अब इसका रोल क्या है, आपको पता ही है कि जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी पेमेंट, सब कुछ जीएसटी में ऑनलाइन है. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, एग्जम्पशन लेना, जो भी कुछ है, रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करना कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में, हर एक चीज़ ऑनलाइन है. तो उसके लिए जो पोर्टल है या जो बेस है, नेटवर्क है, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी एन. ठीक है, तो अभी जीएसटी एन गवर्नमेंट ने बनाया है जीएसटी से रिलेटेड जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसमें डील करने के लिए. तो जीएसटी की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो जीएसटी एन के थ्रू होती है. तो अब इसके आप फीचर्स लिख लो. पॉइंट नंबर वन, इट इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल सेटअप टू कैटर द नीड्स ऑफ जीएसटी, सेटअप टू कैटर द नीड्स ऑफ जीएसटी. पॉइंट नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ जीएसटी एन, फंक्शंस ऑफ जीएसटी एन. फंक्शंस में एक शॉर्टकट है, काफी सारे फंक्शंस है, खाली शॉर्टकट याद रखना तो काम हो जाएगा. सो जीएसटी एन की क्या फंक्शंस है, तो जीएसटी एन में खाली आप ये शॉर्टकट याद रखना, जीएसटी एन में क्या रखोगे, मिस्टर जीएसटी आईसी. तो जीएसटी एन, जीएसटी नेटवर्क के फंक्शंस क्या क्या है, मिस्टर जीएसटी आईसी, मिस्टर जीएसटी आईसी. ठीक है, तो जीएसटी एन मीन्स मिस्टर जीएसटी आईसी. राइट, नंबर वन एम, मिस्टर जीएसटी आईसी में पहले क्या है, एम. प्रोवाइडिंग एमआईएस रिपोर्ट, एम फॉर एमआईएस रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग एमआईएस रिपोर्ट. एमआईएस मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो लोग भी जीएसटी से रिलेटेड हैं उन सब का पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर, उसको बोलते हैं एमआईएस रिपोर्ट. देन नेक्स्ट वन, एम में दो पार्ट है, तो ये एम वन है, इसके नीचे लिखो एम टू. एम टू इज मैचिंग टैक्स डिटेल्स विद द बैंक, जो टैक्स आप बैंक में पे करते हो जीएसटी का, उस
को गवर्नमेंट मैच करते हैं कि आपने पेमेंट बराबर किया है या नहीं किया, तो ये काम कौन करेगा, जीएसटी नेटवर्क थ्रू होता है। तो एम टू है मैचिंग द टैक्स डिटेल्स विद द बैंक। फिर एम के बाद है आर। इन आर ऑल्सो देर आर टू पार्ट्स राइट, आर वन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेशन, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको किसका हेल्प चाहिए, जीएसटी एन नेटवर्क का चाहिए। देन आर टू रिटर्न फॉरवर्डिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रिटर्न्स फॉरवर्डिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो आर टू इज रिटर्न्स, आर वन इज रजिस्ट्रेशन। तो रिटर्न फाइलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हो, जीएसटी एन के थ्रू। नेक्स्ट वन जी, जी फॉर जीएसटी पोर्टल। जी में आप लिखना है जीएसटी पोर्टल डेवलपमेंट। तो जीएसटी पोर्टल डेवलपमेंट करने का भी काम किसका है, जीएसटी एन का है। देन एस, एस फॉर सेटलमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी, सेटलमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी। बिकॉज आईजीएसटी मैंने आपको पहले बताया था ये इंटर स्टेट सप्लाई पे चार्ज होता है या इम्पोर्ट पे चार्ज होता है। तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो वहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, तो किसको जीएसटी का पार्ट कितना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आईजीएसटी में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जो इंटर स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो पहले से ही दो जीएसटी है, ड्यूअल मॉडल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आईजीएसटी में प्रॉब्लम आती है कि जीएसटी का अमाउंट और आईजीएसटी का अमाउंट कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, तो वो जीएसटी एन कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। देन टी, नेक्स्ट पॉइंट है टी, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल एनालिसिस। टी फॉर टैक्स पेयर्स प्रोफाइल एनालिसिस। देन लास्ट है आईसी। तो ये आईसी जो है ये साथ में, आईसी साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट। तो इनपुट क्रेडिट मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम, इनपुट क्रेडिट मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी एन। तो ये पार्ट में हम लोग ने पहला कंप्लीट किया जीएसटी काउंसिल की समरी, दूसरा जीएसटी एन जीएसटी नेटवर्क। तो जीएसटी एन मतलब बस एक ही कोड याद रखना, जीएसटी एन मीन्स मिस्टर जीएसटी आईसी, ठीक है, मिस्टर जीएसटी आईसी। अब जीएसटी एन के बाद आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, रिटर्न फाइलिंग पे। तो जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइलिंग किसको कब करना है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया है कि रिटर्न फाइलिंग जो है वो नॉर्मल जीएसटी स्कीम में ज़्यादा रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, कंपोजिशन स्कीम में कम रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नॉर्मल जीएसटी स्कीम के अंदर भी रिटर्न कम कर दिए थोड़े, जिन लोगों का टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग नॉर्मल जीएसटी स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उनके लिए भी दो पार्ट है। इफ टर्न ओवर is above 1.5 crores, then उनके लिए रिटर्न फाइलिंग है मंथली बेसिस पे, और अगर टर्न ओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ है तो यहाँ पे फाइलिंग है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। शॉर्टकट लिखा मैंने, अब लोग फुट फॉर्म लिखते हैं। तो टर्न ओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है नॉर्मल जीएसटी स्कीम में तो भी आपको क्वार्टरली रिटर्न की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और कंपोजिशन स्कीम में तो मैंने पहले बोला था, जो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में हैं उनके लिए तो
quarterly return here. तो ये रिटर्न फाइलिंग थी कि कौन से टाइप के रजिस्ट्रेशन पे आपको रिटर्न कितने ड्यूरेशन के बाद देना है। तो ये खाली बेसिक इंट्रोडक्शन था। रिटर्न चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसमें कौन से टाइप के रिटर्न है, कब फाइल करने हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो सब डिटेल में जब चैप्टर रहेगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि GST में मेन मेन क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अभी हम लोग ने ये पार्ट में कंप्लीट किया, पहला GST काउंसिल, उसके बाद कंप्लीट किया GST नेटवर्क, और तीसरा है रिटर्न फाइलिंग कौन से टाइप के रजिस्ट्रेशन पे कितने ड्यूरेशन के बाद होनी है। ठीक है, तो ये आपका GST इंट्रोडक्शन, यहाँ पे थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। आगे के पार्ट में वीडियो में मैं आपको GST कैलकुलेशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि GST का कैलकुलेशन होता कैसे है।